मेरे से ज्यादा कांग्रेस को नहीं जानता, क्योंकि 50 साल में कांग्रेस के साथ रहा तो उन्होंने मुसलमानों को डरा के रखा, वो बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। क्या हमको ये हसन बादशाह मिलने वाले नहीं, क्योंकि जो काम बीजेपी ने करती थी पक्का। इंसान क्या चाहता है कि अपना खुद का चाहते, आज गरीबों का चाहते थे, कब्रस्तान बोले तो किसकी बोल, बीजेपी की बोल, तो दो इंसान चीज चाहता है, एक कब्रस्तान और एक अपना घर का छत, ये दोनों बीजेपी ने कर दी थी, यही वजह से कांग्रेस वाले अपना हाथ खींच रहे। काम है ना, कुछ भी नहीं कर रहे, हम बोल रहे वो कारपोरेटर को वो बोलता, वो नहीं तानाजी रोक रहा है, तो इस टाइप का चल रहा है। 5.5 साल से मेरा रोड नहीं बना है, ये है सर। तो मेरा ऐसा पूरा वीडियो है, ये देखिए पूरा गटर का पानी घर के बीच में जमा हुआ है। ये नगर सेवक को बोले जाके बोलते हमारे इसमें हम भेज देंगे, हम कर देंगे, ये उसको क्या आ गए मेरे उतनी कर रहे। पानी आता ऊपर से तो पूरा जम जाता, घरों में पानी घुस रहा, वो गाढ़ा गाढ़ा देखो घर ही है हमारी पीछे की भी, कोई नहीं करता कुछ, जा हम आएंगे, तो सो जाते घरों में जाके, रोक लेते सो जाते घरों में जाके, क्या है परेशानी हमको हो रही ना। कांग्रेस का हसन बाग वाले में वोट दिए, लेकिन कांग्रेस ही हसन बाग वाले की मदद नहीं कर रही, अब जाना तो कहाँ जाना। फसलों का मसला हो या काय का भी मसला हो, काम नहीं करता, लालीपाप देता है और लोगों को बोलता है मैं कर रहा हूँ। और हसन बाग बैठे जब से वो चुन के आ रहे हैं, 15 साल हो गए और चुन के आया तो अपना अपना देखता है, अभी आप समझता है। और उसका उद्घाटन भी करे, मैं तो बुलाए तो मैं भी गया था, तो रोड बनाने के टाइम मटेरियल गिरा तो वो तानाजी बनने में गोपाल गार से झगड़ा कर दिया, मैं बना रहा बोले भाई 2 साल तो उसी पड़ा। नमस्कार, महाराष्ट्र 24 के ऑन द स्पॉट इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज महाराष्ट्र 24 की टीम पहुंची है प्रभाग क्रमांक 27 में, हसनबाग एरिया है, यहाँ पे लोगों की क्या समस्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? समीर अहमद। अहमद साहब, क्या परेशानी है यहाँ पे? पानी हमारा सुबह 5 से 6 महीने से पानी निकल नहीं पा रहा है, सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक इतना पानी भर रहता है, और बरसात है तो साल भर 6 महीने बंद रहता है, और तानाजी पास करीब 10 हजार गए हैं, तो बस होता है, पैसा पास हो गया है, ये सब हो रहा है, आज तक किया है नहीं करने के लिए, बोले यहाँ पे रोड मत बना, कम से कम गटर तो बनाओ, गटर भी नहीं बना रहा। चार नगर से है, वो कौन से पक्ष के? कौन से ये आपके प्रभाग में कितने चार जो नगर सेवक है वो कौन से पक्ष के? अभी इतना तो आइडिया नहीं अपने बारे में। कौन है नगर सेवक? कौन करेंगे? हरी टिकुल आ रहे हैं, और एक वो झोपड़पट्टी की अच्छे नाम है, क्या नाम है वो मैडम का, वो अच्छा कुछ तो भी नाम है, और एक उधर के नेहरू नगर की एक भाई, तो वो तानाजी इधर से चुन के आया, और उनको बोला मैंने कुमार को, तो बोले हाँ मैं करता हूँ, फिर भी फूल किया, बोले मेरे अंदर में यहाँ ही नहीं, बोले अंडर में नहीं, अंडर में नहीं है। तो इस एरिया में जो मेन नगर से होते हैं वो तानाजी वन में, जो गुरु तानाजी वन में, हाँ तानाजी वन में। कितने बार गया था? 7-8 बार गया, बस हाँ हो जाएगा। 2 साल से हम तो उसमें लेके एक बार गए थे, झोल नहीं गए थे, वो भाई थी जमाने में आई थी, बोले पास होगा कल परसों बन जाएगा, आज तक बना नहीं, इतना झूठ बोला कि अब क्या बताए हम। बहुत परेशानी है। क्या आपको क्या लग रहा है कि जो नगर सेवक यहाँ पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। नगर सेवक कर रहे हैं, वो असल में क्या है, वो राजनीतिक पॉइंट है, जैसा कि बीजेपी प्लस है ना कांग्रेस, तो तानाजी वन में कांग्रेस के वो विपक्ष में है कॉर्पोरेशन में, इसलिए वो क्या कर रहा है, बीजेपी के लोग आते हैं लीडर तो वो इधर है ना, इधर वो काम नहीं करने देता। अभी मैं खोपड़ साहब के मेरे एरिया के मेरा रोड है लाइन नंबर 10 का कम से कम 4.5-5 साल से वो नहीं हुआ है, सब रोड बनाए उन्हें, मेरा रोड नहीं बनाए, और मैं कम से कम 15 से 20 बार हम लोग गए उनके पास, अप्लीकेशन दिए, फिर 80 साइन लेकर मैंने खोपड़ साहब को दिए,
यानी रोड बनाने के लिए, ठीक है बोले मैं ये करता हूँ, बोले उसको अप्लीकेशन दिया, वो ये हुआ। तो ऐसे ही यानी गटर लाइन के भी, वो मेरी लाइन के अंदर एक गटर लाइन है डॉक्टर शफी का, वो भी नहीं हुआ। तो ये मतलब काम है ना, कुछ भी नहीं कर रहे, हम बोल रहे वो कारपोरेटर को, वो बोलता वो नहीं, तानाजी रोक रहा है, तो इस टाइप का चल रहा है। 5.5 साल से मेरा रोड नहीं बना है, ये है सब। ये जो भाजपा और कांग्रेस की राजनीति के कारण स्थानिक लोगों को परेशानी है, परेशानी है, राइट राइट। और ये नहीं मालूम है कि सबसे खतरनाक घुसने वाले यही रोड है, सब रोड बन गए, ये रोड आज तक नहीं बना, शरम नहीं आती इनको कि पानी आने नहीं भरना चाहिए डेली, ये खतरनाक घुसते बना ये फलता है, ये रोड नहीं बना है, बाकी सब रोड बन गए हैं और डेली है पानी भरना। आप सुबह आइए 8 बजे, देखो पानी उतना पानी है यहाँ पर, डालेंगे जगह नहीं होती। और दूसरी बात कैसा है कि जब भी वर्कर एडी से जो है अपेशन लेके दादाजी के पास में गई है तो बोलते हैं कि मेन लाइन हमारी जो कभी सैंक्शन हुआ नहीं है, पैसे आएगा जब करेंगे, और मेन लाइन जो चैक्सी जो हमारे अथॉरिटी हो रही है वहाँ से वो लाइन बोले खराब है, बोले वर्कर पीछे में पूरा पानी कर रहे हैं, पानी जाने के बच्चे बच्चे घरों में घुस रहे, बच्चे लड़के बीमार बैठ रहे, अब किस किस को बोलना, जब भी जाते हम भेज रहे टूर में महत्व लोग आते 6 बजे कैसे भी लेते चले जाते करके। लेकिन आप सिर्फ एक ही नगर सेवक के पास जा रहे हो, बाकी जो आपके इतनी नगर सेवक है उनके पास क्यों जा रहे हो? अब जिसके बाद में जिसके बाद जो सुनते उसके आगे वो भी नहीं सुनते, तब क्या करेंगे, एक को पकड़ के रखे तब क्या करेंगे सर? भाजपा के 3 नगर सेवक उनके पास क्यों नहीं जा रहे आप? वहाँ पर जाओ तो बोलते हैं कि हमारे हमारे आपके कुछ नहीं बोलते, एक तरह मन रहे थे ना हमारे आपने कुछ नहीं बोलते, हमारे आपने कुछ नहीं, आप किस चीज़ को बताएंगे, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं घरों में, किसको बताएं, घर के पीछे मैं आपको वीडियो बता सकता हूँ मेरे घर का, ये देखिए आप बाथरूम मेरे घर का वीडियो में बताते आपको, ये देखिए मेरे, ये मेरे घर का वीडियो है, तुम लोगों ने क्या काम है, ये देखिए मेरे घर का वीडियो है, ये देखिए आप, ये पूरा मेरे घर का वीडियो बना है, ये घर के पीछे ग्रुप पर घर का पानी जमा है, देखिए आप घर के पीछे में जमा हुआ, ये नगर सेवक को बोले जाके बोलते हमारे इसमें हम भेज देंगे, हम कर देंगे, ये उत्तर मेरे कुछ नहीं कर रहे, बच्चे बीमार पड़े इसको बताना हमने, ये देखिए क्या परेशानी आपको, पानी आता ऊपर से तो पूरा जम जाता, घरों में पानी घुस रहा, वो गड्ढा बन देखो भरी हुई हमारी पीछे की भी, कोई नहीं करता कुछ, जा हम आएंगे फिर सो जाते घरों में जाके, होट लेते सो जाते घरों में जाके, क्या है परेशानी हमको हो रही ना। कौन नगर से हो गए आपके? हाँ कौन नगर से हो गए? कौन नगर से आ गई? दादाजी भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे कोई, तुम बैठे उसके पास? हाँ क्या बोले? सो जाते दिख लेते सो जाते, घर पे नहीं है बोलते? नहीं उसके पास जाओ, कहीं बोलते उसके पास जाओ, ऐसे बोलते। वोट लेने आए थे तो क्या बोल के बोलते? करेंगे 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 बोलते, सो जाते घरों में जाके, बता रहे क्या, कोई नहीं करता, दादाजी दोगे कुछ भी कोई नहीं करते। यही शिकायत लेके हम गए कृष्णा खोपड़े साहब के पास, तो उन्होंने बड़ी लाइन का आज ही आज सुबह 11 बजे उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं, और जहां तक कि हसन बाकी जो प्रॉब्लम है गटर लाइन की, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएगी, क्योंकि बड़ी जो लाइन जा रही है उसमें से गली गली वाली जो लाइन है उसके अंदर मिलेंगी जाके, इसलिए गटर लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब एक सवाल है पानी का, पानी अब सुबह इतने बजे देते कि हमारी जो माँ बहने हैं हमारे यहाँ के वो उठ नहीं पाते एकदम, और वो सुबह 7 बजे आता है और 1 घंटे 6 बजे आता है और सुबह 1 घंटे के ऊपर रहता भी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। तो वो ये कहना है कि हमने भरोसा नहीं होगा, हाँ वो हमने फिर दिए है कृष्णा खोपड़े जी को, तो वो बोले इसका भी बोले मैं देख रेख करके बोले दूर करवाता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी गटर लाइन की। आज तक तो एक भी नगर सेवक बोले या वो तानाजी बनने बोले ना आके देखते हैं ना कुछ करते हैं, तो इतना पानी भरे रहते, ये एक लाइन नहीं हसन बाकी कम से कम 12 से 13 लाइन ऐसी है जिनके घरों में पानी जाता है, और आज तक तो कोई झाटते देखने को तैयार हसन बाग के साथ ऐसा, तो बोलते ना मेरे को तो वही प्रॉब्लम नहीं आ रही है, भेदभाव ये इसीलिए हो रहा है, कांग्रेस का हसन बाग वालों ने वोट दिया लेकिन कांग्रेस ही हसन बाग वालों की मदद नहीं कर रही, अब जाना तो कहाँ जाना, तो इस वजह से हमने कृष्णा खोपड़े साहब को पकड़े हैं, और इन्होंने अपने कोटे से सामने का भी काम करके दे रहे हैं, और ये भी
तीन लाइन के सेंक्शन करे जिसमें से कौन सा है वो कल हमारे को पता चल जाएगा। जी भैया आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। जैसे आपको आवाम पे भरोसा भी नहीं होता है तो आप सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आइए और लाइव टेलीविजन यहाँ से दिखाइए, तो ये राइट साइड का जो पट्टा है आपको पूरा आपको देख ही दिखेगा और जो जो प्रॉब्लम है पूरे सामने दिख जाएंगे आपको। ये जो जनता बोल रही है, जनता जब बोलने के बाद में यहाँ पर खबर जाती है तो सेंशन हो चुका है ये भी आती है खबर, आके देखते हैं, फोटो निकालेंगे, वीडियो बनाएंगे लाइव और फिर अपने स्टेटस पे डालेंगे कि ये प्रॉब्लम है काम नहीं, और उसका सुविधा नहीं निकलता, उसकी सुविधा नहीं है इसका, ये रोड सेंशन हो चुका है ये हमको खबर। हाँ, ये रोड तीनों चारों सेंशन हुए थे और इसका उद्घाटन भी करे, मैं भी बुलाए थे, मैं भी गया था। तो रोड बनाने के टाइम मटेरियल गिरा तो वो तानाजी बनने ने दो प्रकार से झगड़ा कर लिया, मैं बना रहे बोले भाई 2 साल तो ऐसी पढ़ा है वैसा मेरे भी रुपए भी वैसी क्या परेशानी, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हसन भाग के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, क्या कारण है? 15 साल से हसन भाग के भरोसे तुम क्या रहे हैं और काम कौड़ी का नहीं, बटले का मसला हो या काय का भी मसला हो काम नहीं करता, लाली बात देता है और लोगों को बोलता है मैं कर रहा हूँ और हसन भाग बैठे जब से वो चुन के आ रहे हैं, 15 साल हो गए और चुन के आया तो अपना अपना देखता है। अभी आप समझता है कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों का मसीहा है, हमेशा ही मुसलमान लेकिन क्या कांग्रेस ने आपको वापस दिया जो आपने वोट दिया उसके लिए फल मिला? नहीं मिला उसका फल, उसका फल आज तक नहीं मिला, लोग क्यों जा रहे हैं? अब क्या है, मैं कार्यकर्ता समझ के काम करता हूँ, पट्टी उठाया जब से मैं वही कार्यकर्ता बन गया, बन कर रहा हूँ। समस्या है कि बहुत अनेक समस्या है, ये जो बस्ती बैठी है ये बस्ती मालकी का पत्ता मिला वो किसने दिया? वो कृष्णा भाई हमारे देवेंद्र पंडित जी गडकरी साहब, ये 40 साल से बैठा हुआ पत्ता है और इसके लिए बम्बई तक गए, दिल्ली तक गए, लेकिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान था ऐसी बहन फेंक दिया और कृष्णा राय के पास गया मैं, आमदार हमारे और गडकरी साहब और देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने रजिस्टर मार के दिया, उसको पक्का किया, ये तो कभी नहीं उठा के बेच सकते। हमको ये पता चला कि हसन बाग से कृष्णा खोपड़े जी को या नितिन गडकरी जी को वोट ही नहीं मिला, फिर भी उनको फिर भी मिला, लेकिन फिर भी करे। और कांग्रेस जब से ये हसन बाग का विकास नहीं चाहती है जब से इसकी रजिस्ट्री हुई है, बीजेपी ने करके दिए। भाजपा को तो मुसलमानों का विरोधी कहा जाता है, हमारे ऐसा कोई विरोध वाला नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा है देखो ये बोले 4 8 भी मिलेंगे, नितिन गडकरी साहब का कहना है कि मेरे अगर हसन बाग से 4 8 भी मिलेंगे तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं विकास का काम नहीं रखूंगा। और ये जब से अपने हसन बाग की रजिस्ट्री हुई है कांग्रेस वालों ने हाथ रख दिए, हसन बाग का कोई विकास नहीं हो रहा, यही वजह से अपना गडकरी साहब ने बोले कि मेरे को 4 8 भी मिलते हैं तो मैं काम करूंगा असम बाग का। और जब से असम बाग की रजिस्ट्री का कल्याणी साहब ने साइन मारे वहां की रजिस्ट्री हो रहे 1200 झोपड़े हो गए, जब से उन्होंने साइन मारे तब से कांग्रेस वालों ने हाथ खींची ली, उनको लग रहा है कांग्रेस वालों को अभी वोट तो अभी हम तो बस क्या हमको ये हसन बाग साहब मिलने वाले नहीं, क्योंकि काम बीजेपी ने करके दी पक्का। इंसान क्या चाहता है कि अपना खुद का छत हो, आज गरीबों का छत हो गया, कब्रस्तान बोले तो किसकी बोल, बीजेपी की बोल, तो दोनों इंसान चीज चाहता है, कब्रस्तान और अपना घर का छत, ये दोनों बीजेपी ने कर दी थी, यही वजह से कांग्रेस वाले अपना हाथ खींच रहे कि ये रोड है, ये नाला, ये नाला। अभी आज इतनी बड़ी लाइन का काम हुआ है हमारे क्या बोलते कृष्णा जी खोपड़े में कीजिए, तो वो बहुत जल्दी हमारे हसन बाग की डबल लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इब्राहिम जी मैं समझना चाहता हूँ कि मुसलमान लोग क्यों बीजेपी से चिढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपको 40 साल से बस्ती बैठी थी वो इसे रजिस्टर नहीं कर दिया लेकिन भाजपा ने कर दिया, फिर वो इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए कि मुस्लिम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और उनको डरा धमकाया जा रहा है, कौन धमका रहे हैं? मैं कांग्रेस, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता कांग्रेस, मेरे से ज्यादा कांग्रेस कोई नहीं जानता, क्योंकि 50 साल में कांग्रेस के साथ रहा तो उन्होंने मुसलमानों को डरा के रखा, बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं। मैं 3 4 साल से बीजेपी में हूँ, वहाँ ऐसा है सबका विकास सबका साथ, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। उन्होंने डरा डरा के मुसलमानों को वोट लिया है, डरा डरा के
और बीजेपी से दूर रखने का कारण यही है उनका, क्योंकि वोट बैंक मुसलमानों का वोट बैंक। अभी लोग विचारे थे 40 साल कांग्रेस में गुजारने के बाद क्यों चेंज हुए, इसलिए चेंज हुआ कि ये झोपड़पट्टी उठने वाली थी, एनआईटी में डाल दिए थे इसको, और यहाँ करोड़ों रुपए बिल्डरों को बेचते, और बिल्डरों को बेचने के बाद तुमको 25 किलोमीटर दूर भागना पड़ता, तो एनआईटी में डाल दिया गया था। इसका फंड कहाँ जाता है आपको मालूम है, एक तो मुख्यमंत्री के फंड में जाता, और इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने रोक के रखी थी, यहाँ बहुत बड़ा फंडा डाल के रखी थी, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनते और वो बेचते, उसका फंड एनआईटी में जाता और एनआईटी से राज्य सरकार में जाता। अभी पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी बने मुख्यमंत्री, झोपड़पट्टी आंसुओं की लाटरी लग गई 5 साल के लिए, तो अभी हम सुकून है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान भी कब्जा करे कांग्रेस वालों ने, जिनका नाम है अपक्ष नेता है वो, यहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहे थे कब्रिस्तान में, कि ये देशवाद जी ट्रस्टी थे, देशवाद जी ने उन्होंने बचाए ये कब्रिस्तान, एनआईटी के थे ट्रस्टी, और दोबारा छत भी उन्होंने दिया, और तीसरे बार पूरनवास के फार्म बांट रहे थे तानाजी वन में साहब, मैं झोल में जाके झगड़ा किया, ये क्या बांट रहे हैं, मैंने बोला क्या है, बोले मैंने क्या लिखा है पुरान वर्षन, तो बोले मैंने पढ़ा नहीं, बोले पढ़ा नहीं होंगे, आप बताइए ऐसी राजनीति कूटनीति चल रही है, काम कौड़ी का नहीं। ये रोड का उद्घाटन कर रहे थे हमने, मैं भी था उसमें, डिकुमार जी भी थे, और कुछ वाले बोले कर डालो ये रोड और उधर का रोड, तो ये रोड को वहाँ झगड़ा करा जोन में ताने जीवन में, तो बोले मैं बना रहा हूँ, मैंने फाइल डाल दिया, बोले जब से उसी पढ़ा 2 साल ये रोड बनाया, कुछ भाई ने उधर का भी उधर का भी, ये भी बन रहा था साथ में, तो मैं यहाँ तानाजी उन्होंने राजनीति खेला, अब डिकोदार सीधा साधा उससे झगड़ा करा, मैंने पहले बनाया, बोले तू कैसा बना रहे हैं यहाँ, उद्घाटन हो जाता है यहाँ, मैं भी था उद्घाटन में 2 साल हो गए। तो लोग जो लोग डराते हैं बीजेपी से वो गलत है, गलत है ना, गलत है बीजेपी करा रही है कांग्रेस वोट लेने के लिए, मुसलमानों को डरा के रखी है, डरा के रखी है मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, कोई खिलाफ नहीं है, रजिस्टर होने लग गए काम जाने के बाद में पता लगा कि 40 साल से जो काम नहीं हुआ समझ में नहीं आया, उन्होंने करके दिया 5 साल में। अभी कमर्शियल का कुछ बाकी है रोड का, तो वो गडकरी साहब बोले अपनी सरकार आएंगी, अपन उसकी डिमांड 12 लाख रुपए डिमांड आई, बोले काम होगा अपन करेंगे, हम कुछ बात करना चाहते हैं लेडीज, क्या क्या परेशानी है यहाँ? परेशानी यही है सबसे ज्यादा, गडर की परेशानी है यहाँ पे, यहाँ पहले दूसरी लाइन में बहुत ज्यादा परेशानी है, वहाँ पे तो पूरा घरों में पानी घुस जाता था, बहुत जगह के नगर सेवक बोले भी तो नगर सेवक तना जीवन में जाते तो वो बोलते मेरा काम नहीं है, वहाँ हरिद्वी कुमार किया जाते हैं वो जब करने को तैयार है तो वो बोलते हम नहीं करने देंगे, यहाँ पे कुछ ऐसी परेशानी होती है। ये रोका जो गणना ये जब हुआ था जब मैं भी यहाँ पे मौजूद थी सामने में, हमारे सामने में हुआ था, लेकिन यहाँ पे तब बोले थे कि नहीं ये हमारा हम लोग करवाएंगे करके रोका गया, यही नहीं इसके साथ और 2-3 रोड ऐसे है जहाँ पे वो काम रुका हुआ है, वहाँ पे अभी तक के नहीं बना। पानी समस्या है यहाँ पे, एक घंटे से पानी आता है, वो कितना परेशान आता है यहाँ पे पानी की समस्या, फिर भी बहुत थोड़ा और एक घंटा अगर बढ़ा दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे पानी के लिए, क्योंकि पानी किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता है, तो वो जो 6 बजे आता है 6 से अगर 8 बजे तक का रहता है तो अच्छी बात है, और या तो फिर 7 बजे से उधर 9 बजे तक आता तो भी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो से ड्यूटी वाले हैं काम पे जाते हैं तो वो तो रात भर जल्दी जो देर रात तक का आती है काम पे जाती है लेडीज लोग, देर रात तक का आती है तो वो तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती ना, तो उस वजह से तो वो पानी उनको मिल नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा पानी की प्रॉब्लम है, पानी और गटर की थोड़ी समस्या है, बाकी गटर की और रोड की ज्यादा समस्या है यहाँ पे, रोड जो बनाने के लिए तैयार है पर तना जीवन में का ऐसा है कि मैं ये जैसे मैंने इसका ये दिया फाइल दी है तो ये मैं ही बनाऊंगा, ये सोच के आगे बढ़ाने नहीं देते, इस वजह से कुछ रोड ऐसे रुके हुए यहाँ पे, इधर वो रुकावट कर देता ना, ये जैसा इधर से बोला बीजेपी वाले बोलते हम बनाते नहीं बना देता, बोलता मैं बनाऊंगा बनाता हूँ ना, कुछ नहीं, अभी 5.5-6 साल से मेरा रोड पेंडिंग पड़ा हुआ है, सब रोड बन गए, चलो बताते स्टेप का मतलब है वो।
हसनबाग के नागरिकों से बात करने के बाद हम अभी आए हैं नागपुर महानगर पालिका के नगर सेवक हसनबाग से जो चुनकर आते हैं तानाजी बंबे, जिनके ऊपर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए। तो उनसे ही बात करते हैं सर, जो लोगों ने आरोप लगाया है कि आप काम नहीं करने दे रहे, ये कितना तथ्य है? ये 100% झूठ है। ये उनका ये कहना है कि यहाँ पे गटर के प्रॉब्लम है, पानी सुबह आता है 7 बजे, उसके बाद नहीं आता है दिन भर, 1 घंटे में पानी लोग कैसे करे। वहाँ पे लोगों ने दिखाया है कि ऑन कैमरा वहाँ पे गटर का पानी बहता रहता है, तो वो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हसनबाग में सीमेंट रोड से लेकर गटर लाइन से लेकर तो कब्रस्तान के काम से लेकर हर काम पिछले 10 साल में वन वे परिवार की तरफ से ही हुआ है, महानगर पालिका की तरफ से। और वहाँ पे अभी भी गटर लाइन का काम, कब्रस्तान की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में काम चालू है। करीब करीब 70 लाख का काम वहाँ पे चालू है। हसनबाग, नंदनवन और वो पूरे परिसर में गटर लाइन का काम, जो चौकेज पुरानी गटर लाइन थी वो बदलने का काम हमने शुरू किया। और उसके लिए बड़ी ट्रंक लाइन जो है, वो ट्रंक लाइन के वजह से काफ़ी चौकेज का प्रॉब्लम था, तो 2.5 करोड़ रुपए खर्चा करके अभी 8 दिन पहले मैंने ट्रंक लाइन का 2.5 करोड़ का वर्क ऑर्डर करा के भूमि पूजन का कार्यक्रम मैंने किया, जिससे गटर लाइन का प्रॉब्लम वहाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सर, वही भूमि पूजन का आपने जो काम किया, वही भूमि पूजन कृष्ण खोपड़े ने भी किया, आपने भी, क्रेडिट की ये लड़ाई हो गई है? पहले भूमि पूजन मैंने किया और कमिश्नर साहब के पास से उसको बैरिकेड लगाने की परवानगी, अनुमति की फाइल मैंने मंजूर की। जब मैंने भूमि पूजन पहले दिन किया, उसका भाजप वाले जो वापो कर रहे, भाजप वालों ने कहाँ काम किया ये पहले उन्होंने बताना चाहिए। कृष्णा खोपड़े ने 5 साल में ये परिसर में और 10-15 साल में कृष्णा खोपड़े ने कौन सा काम किया ये भी बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही मैंने मंजूर किए हुए काम का भूमि पूजन दोबारा करते होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम बचा नहीं है। केवल अभी मैं विरोधी पक्ष नेता करके सब मंजूर करवाया, मेरा प्रभाग में मैंने भूमि पूजन लिया, तो उन्होंने पहले भूमि पूजन क्यों नहीं लिया? जो काम का मैंने भूमि पूजन किया उस काम के लिए वो दोबारा भूमि पूजन कर रहे होंगे, तो वो बात गलत है। उन्होंने जो फंड लाया होगा, उनका अगर फंड होगा DPDC का, तो कृष्णा खोपड़े ने जरूर DPDC के फंड से वो काम का भूमि पूजन करना चाहिए। हम उनके आड़े नहीं आते, हम किसी को काम करने के लिए मना ही नहीं करते, लेकिन जो काम नगर सेवक और विरोधी पक्ष नेता करके तानाजी वनवे ने किया है, उस काम का भूमि पूजन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तो इस पर से आप उनकी मानसिकता समझ जाइए। तो ये जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि आप जो है बाकी 3 नगर सेवकों को वहाँ उस एरिया में काम नहीं करने देते, ये सही है गलत? भाई मैं वहाँ पे काम नहीं करने देने वाला कौन हूँ? पब्लिक के बीच में मेरा काम मैं कर रहा हूँ, उनका काम उन्होंने करना चाहिए, उनको कोई बंधन थोड़ी है। भाई प्रभाग में 4 नगर सेवक है, किसने कहाँ काम करना, ये काम करने की उनकी जिम्मेदारी है, और मैं कौन होता हूँ भाई उनको रोकने वाला? उन्होंने अगर फंड मंजूर करके अगर काम करना चाहते तो उसके लिए तानाजी वन में रोक नहीं सकते। तो जनता में आपके खिलाफ इतना रोष क्यों है? क्या ये कोई षड्यंत्र है या क्या है? जनता के खिलाफ कोई रोष वगैरह नहीं। आपको लगता है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं किए हुए काम का ब्यूरो देता हूँ, जनता से भी उरूबुरू कीजिए, कोई ये जो बात है इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो जिस तरह से हसनबाग के नागरिकों ने तानाजी बंबे पर आरोप लगाया है, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है कि उन्होंने कितना काम किया है उस एरिया में, उसकी भी ऑन कैमरा वो चाहते हैं, अगर आप वो दिखाना तो वो भी दिखाने के लिए वो तैयार। कैमरा पर्सन विलेश हजारे के साथ अमित पांडे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।